सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आज हम आपको मध्य प्रदेश में स्थित हमारे बिहारी जी का मुरली मनोहर मंदिर है, उस मंदिर की बिल्कुल सत्य घटना बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, भारत देश में बिहारी जी के ना जाने कितने भक्त हैं, लेकिन सभी भक्त वृंदावन वास तो नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे भी भक्त होते हैं, वो हैं तो श्री कृष्ण भक्त, लेकिन वो वृंदावन कभी भी नहीं गए। ऐसे भक्तों ने भी साक्षात अपने ओर पास के मंदिरों में विराजे श्री कृष्ण का साक्षात रूप से दर्शन किया है। बिहारी जी तो चमत्कार करते ही हैं। उनका भक्त संसार में कहीं भी रहे, बस वो भक्त बिहारी जी को प्रेम करता रहे। भक्त अपने भाव से प्रेम से किसी भी विग्रह में जान डाल सकता है। ये भक्त के भाव सच्चे प्रेम श्रद्धा का विषय है। ज्यादातर समय भक्तों का उन्हीं मंदिर में गुजरता है जो हमारे घर के आसपास होते हैं, और भक्त उन्हीं में बांके बिहारी जी के रूप में दर्शन भी कर लेते हैं। तो बिहारी जी तो अपने भक्त के हर वक्त साथ ही रहते हैं। जैसे आप लड्डू गोपाल जी को खूब प्रेम करते हो, तो क्या लड्डू गोपाल जी को और बांके बिहारी जी को क्या आप अलग समझते हो? क्या लड्डू गोपाल जी को आप विग्रह मूर्ति समझते हो? नहीं, वो तो भक्त के प्राण होते हैं, और इस बात को केवल वही समझ सकता है जो लड्डू गोपाल जी को बिहारी जी को प्रेम करता होगा। कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं, अगर लड्डू गोपाल जी एक पल भी नजरों से ओझल हो जाएं, तो मानो उनकी जान निकल गई। इसी प्रकार वो भक्त भी ठाकुर जी की सेवा करते थे। उसी भक्त की हम सत्य घटना बता रहे हैं आपको। ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक बिहारी जी का मंदिर है, और उस मंदिर में पुजारी जी रहते थे। वो पुजारी जी बिहारी जी के परम भक्त भी थे। जब भी पुजारी जी बिहारी जी के दर्शन करते थे, तो उनके हृदय में अलग अलग भाव प्रकट होते थे ठाकुर जी सेवा करने के लिए। बहुत निराले पुजारी जी थे। उन्होंने बिहारी जी की सेवा युवा अवस्था में करनी शुरू कर दी थी। पुजारी जी को काफी वर्ष हो गए थे बिहारी जी की सेवा करते हुए। वो काफी वृद्ध भी थे, कमर भी झुक चुकी थी, चलना फिरना भी ज्यादा नहीं हो पाता था, लेकिन अपने प्राणों से प्यारे बिहारी जी की सेवा करने के लिए एकदम ऊर्जावान रहते थे। इतना प्रेम था बिहारी जी के चरणों से। बिहारी जी का प्रतिदिन नया श्रृंगार तरह तरह से भाव में डूबकर बिहारी जी को रिझाते थे, अपने हाथों से बिहारी जी की सेवा करते थे। वो पुजारी जी बड़े सिद्ध संत थे। पुजारी जी जिस मंदिर में बिहारी जी की सेवा करते थे, वो मंदिर भी ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था, जहाँ से पुजारी जी नीचे उतरकर ठाकुर जी के लिए जल भरकर लेके जाना, स्वयं सरोवर में स्नान करना, लकड़ी सर पर रखकर ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना और ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना। वो पुजारी जी बहुत वृद्ध थे, झुके झुके सेवा करते थे और स्वयं ही करते थे, और उनका नियम भी था, ठाकुर जी को भोग प्रसादी सब्जी वही बनाते थे जो शुद्ध हो, बाजार का मिलावट बिल्कुल भी नहीं। वही थोड़ी सी जमीन थी मंदिर के नीचे, उसी में दाल बाजरा गेहूँ बोलिया करते थे। भोग में वही उड़द की दाल और गेहूँ के आटे से मोटे मोटे टिक्कर बनाकर गाय के देसी घी में ठाकुर जी को प्रसादी पवाते थे। सबसे बड़ी बात है कि 90-100 की उम्र में ठाकुर जी की सेवा स्वयं ही करते थे, और शरीर भी झुका हुआ रहता था, लेकिन ठाकुर जी की सेवा इस भाव से करते थे, देखने वाले को ये एकदम चमत्कार लगता था। पहाड़ पर स्थित बिहारी जी के मंदिर पर कई संत महात्मा महापुरुषों का जाना भी होता था। जब वो संत महात्मा प्रसादी पाते थे, तो वो संत महापुरुष यही कहते थे, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी प्रसादी नहीं पाई, इतना स्वादिष्ट भोजन प्रसाद, अद्भुत। तो पुजारी जी से पूछते भी थे, तो पुजारी जी इतना ही कहते थे कि सब बिहारी जी जाने, लेकिन जो और पास के जो भक्तजन आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो बताते थे कि पुजारी जी जिस भाव से प्रसादी बनाते हैं, पुजारी जी के नेत्र आंसुओं से हमेशा भरे रहते हैं, हमेशा ठाकुर जी के लिए भावुक हृदय बना रहता है। वो बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसा वहाँ के निवासियों का कहना था। मंदिर में तो हर प्रकार का भक्त आ सकता है और आता भी है। तो कुछ लोग सोचते हैं प्राचीन मंदिर है, कई वर्ष पुराने ठाकुर जी हैं, तो इधर उधर से आने वाले चोर उचक्कों को लगा प्राचीन ठाकुर जी की मूर्ति है,
सोने के ठाकुर जी होंगे, काफी महंगी मूर्ति होगी। शहर के कुछ ठग थे, वो भगवान के दर्शन करने जीप से आया करते थे। ठाकुर जी के लिए सुंदर मिठाई लाते थे, पुष्प की माला लाते थे और पुजारी जी के लिए खूब फल की पेटी लाते थे। उनको लगता था पुजारी जी वृद्ध हैं, इनको क्या कुछ पता चलेगा और ये बेचारा क्या कर लेगा। वो ठग दो चार दिन में आते और खूब पुजारी जी को मिठाई खिलाते, बातचीत करते, कुछ पैसे भी भेंट करते प्रसन्न करने के लिए। तो प्रसन्न करके पुजारी जी का विश्वास जीत लिया। कभी समय पर पुजारी जी मिलते, कभी पुजारी जी जंगल में पहाड़ के नीचे लकड़ी लेने चले जाते थे, कहीं पानी लेने जाते। वैसे तो वो ठग सुबह शाम आते थे, लेकिन एक बार वो ठग दोपहर में आ गया तो पुजारी जी ने कहा, अभी तो पट बंद है, ठाकुर जी अब शाम को दर्शन देंगे। दोपहर के करीब 3 बज रहे होंगे। पुजारी जी ने कहा, लाला अभी हम नीचे से अच्छा जल लाते हैं और स्नान करके आते हैं, फिर दर्शन कर लेना। इतना कहकर पुजारी जी तो पहाड़ से नीचे उतर गए। उन ठग को तो सब पता था पुजारी जी कब वापस आएंगे और मंदिर की चाबी कहाँ रखी है, रुपए पैसे कहाँ पर रखे रहते हैं। तो पुजारी जी थोड़ी देर बाद जब स्नान करके वापस आए तो क्या देखते हैं, मुरली मनोहर बिहारी जी मंदिर में नहीं है। वहाँ फल मिठाई रखी थी, लेकिन फल लाने वाले वो ठग भी नहीं थे। तभी पुजारी जी वो संत इतना देखकर बस बैठकर रोने लगे। आंखों में ठाकुर जी की छवि थी पुजारी जी के, उस छवि का ध्यान करके कहते हैं, ठाकुर जी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए और आप राजी कैसे हो गए जाने के लिए, अपने इस दास के बारे में नहीं सोचा, कैसे जिएगा। सुनो प्रभु, अगर आप वापस नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे कोई मारे कूटे जेल में बंद कर दे, भोजन न मिले कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु आपकी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्रभु जीव आपको छोड़ता है पहले, लेकिन मेरी सांसें अभी चल रही हैं और आप छोड़कर चले गए। बिलख बिलख कर रोते रहे संत जी। अब क्या हुआ, वो ठग जीप से आए थे मंदिर पर और उसी में ठाकुर जी को लेकर जा रहे थे, अचानक उनकी जीप खराब हो गई। मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर दूर पहुंचे होंगे। अब देखिए बिहारी जी का चमत्कार, अब जीप खराब हो जाती तो ठीक भी हो सकती थी, लेकिन वो जीप खराब भी हुई तो बिल्कुल थाने के सामने। वो ठग बिगड़ी जीप में धक्का लगाने लगे, कैसे भी स्टार्ट हो जाए। उन चोरों को बहुत घबराहट हो रही थी और खूब पसीना भी आ रहा था, नई गाड़ी चालू नहीं हो रही। उसी समय पुलिस की नज़र पड़ी, तुरंत पुलिस अधिकारी गए, समझ गए चोर हैं, तो गाड़ी की तलाशी ली, उसमें ठाकुर जी थे। उसी समय चोरों को थाने में बंद कर दिया और साथ में ठाकुर जी को भी थाने ले गए। तो उन चोरों से पूछताछ की, उन्होंने सब कुछ बताया, कहां से हम ठाकुर जी लेकर आए। तो पूछताछ के दौरान जो कागजी प्रक्रिया होती है वो शुरू हुई, क्योंकि ठाकुर जी प्राचीन थे। उसके बाद थानेदार ने ठाकुर जी को अपनी गाड़ी में बिठाया बड़े अधिकारियों के पास ले जाने के लिए, लेकिन थानेदार की गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। थानेदार ने दूसरी गाड़ी बदली, वो भी स्टार्ट नहीं हुई, कोई भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। थानेदार परेशान, लेकिन थानेदार एक ब्राह्मण परिवार का था। उसी समय थानेदार ने स्नान किया, पेड़े दुकान से लिए और बड़े भाव से भोग लगाया ठाकुर जी को और हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, ठाकुर जी मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी नौकरी का सवाल है, कृपा करके एक बार आप मुख्यालय चलो मेरे साथ, कागजी कार्रवाई पूरी होते ही फिर आप जा सकते हैं अपने अथा स्थान पर। और उधर पुजारी जी का रोना बंद नहीं हो रहा था। पुलिस ने वहाँ जाकर खबर की, आप चिंता ना करो, ठाकुर जी मिल चुके हैं, थोड़ा मुख्यालय पर घूमने गए, बहुत दिन हो गए प्रभु बाहर नहीं निकले, थोड़ा सब्र करो, आपके ठाकुर जी आपके मुरली मनोहर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन पुजारी जी का बुरा हाल हो गया था, ऐसा लग रहा था अगर ठाकुर जी शाम तक नहीं आए तो पुजारी जी के प्राण निकल जाएंगे। तभी इस बात की भनक मुख्यमंत्री उमा भारती जी को लगी, तुरंत फोन किया कि तुरंत रात होने से पहले ठाकुर जी को पुजारी जी को सौंप दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ठाकुर जी पधारे अपने पुजारी जी के पास। तो कहने का मतलब यही है कि ठाकुर जी भाव के भूखे होते हैं, प्रेम से बड़े भाव से ठाकुर जी को लाड़ लड़ाएं। देखना आप, वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी हैं सभी को किसी न किसी भक्त ने लाड़ लड़ाया है, उनको प्रेम किया है, चाहे वो हमारे बांके बिहारी जी हों
या राधा रमण लाल जी हों या हमारे राधा वल्लभ लाल जी हों, इन वृंदावन के सभी ठाकुरों को प्रकट करने वालों ने लाड़ लड़ाया था, प्रेम किया था ठाकुर जी को। ठाकुर जी को प्रेम करने का, उनसे प्रेम होना तभी संभव है जब आप उनकी महिमा सुनेंगे। बिना किसी के गुणों के बारे में जाने उससे प्रेम नहीं हो सकता। किसी से प्रेम करना है तो उसके बारे में सुनो और चिंतन करो, फिर सत्संग करो। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। श्री राधे।